आज हम बात करने वाले हैं सती पीठ के बारे में। सती पीठ देवी पुराण अनुसार माता पार्वती के पिता राजा दक्ष एक यज्ञ का आयोजन करते हैं, जिसमें शिवजी को न बुलाकर अपमान करने हेतु माता पार्वती क्रोधित होकर अग्नि कुंड में कूदकर जान दे देती है। ये देखकर शिवजी क्रोधित होकर माता पार्वती के शरीर को उठाकर उनके वियोग में तांडव करने लगते हैं। सृष्टि को शिवजी के तांडव से रक्षा करने के लिए विष्णु जी ने उनके सुदर्शन चक्र से माता के शरीर को खंडित कर देते हैं। वो अलग अलग 51 जगहों पे जा गिरता है और ये 51 जगह आज 51 सती पीठ नाम से पूजे जाते हैं। आज हम 51 सती पीठ यात्रा में आ पहुँचे हैं बर्धमान के अट्टोहास में। हालांकि इस जगह को लेकर एक विरोधावास भी है। अट्टहास का मतलब होता है निचला होंठ। देवी पुराण अनुसार माता के निचले होंठ गिरे थे। आज के लाभपुर में स्थित दक्षिणी ग्राम में स्थानीय लोग इसे देवी फुलोरा नाम से जानते हैं, लेकिन इस जगह का नाम अट्टोहास है। इसी वजह से लोगों का मानना है इसी जगह पर देवी के निचले होंठ गिरे थे और यहाँ के लोग इसे सती पीठ रूप में पूजते हैं। मंदिर परिसर काफी बड़ा है और इसके चारों ओर घने जंगल हैं। मंदिर के दाएं और थोड़ा और अंदर जाने पर आपको देखने मिलेंगे ये रोटोंटी काली माता की मंदिर। ये मंदिर लाभपुर से करीब 32 किलोमीटर दूर है। मंदिर में दर्शन के बाद हम निकल पड़े एक और सती पीठ के दर्शन के लिए, जो यहाँ से करीब 6 किलोमीटर दूर है। गूगल मैप के सहारे हम चले तो जा रहे हैं, लेकिन कच्चे मिट्टी के कीचड़ से भरे रास्ते देखकर हमें यकीन नहीं हो रहा कि ये सती पीठ की ही रास्ता है। स्थानीय लोगों से पूछताछ करके आखिर हम पहुंच ही गए। बर्धमान जिले के केतुग्राम में स्थित है ये बहुला माता के मंदिर, जो कि देवी पुराण अनुसार 8वां सती पीठ है। इस जगह पर देवी की बायां हाथ गिरी थी और देवी यहाँ बहुला रूप में पूजी जाती है। मंदिर केतुग्राम गांव के अंदर है और यहां जाने का रास्ता भी कच्ची सड़क है, जो कि बारिश के मौसम में कीचड़ से भर जाता है, जिस वजह से यहां भक्तों की उतनी आओ जाही नहीं है। मंदिर परिसर कुछ खास बड़ा तो नहीं है, पर गांव वालों के देख रेख में काफी साफ सफाई देखने को मिली। माता बहुला देवी के साथ ही विराज है अष्टोभुज गणेश जी। माता के दर्शन के बाद हम निकल पड़े अपने घर के और शाम हो चुकी थी और अभी 68 किलोमीटर का सफर बाकी था। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो के साथ।